संसद का बजट सत्र 22 जुलाई यानी कि सोमवार से शुरू हो रहा है। 23 जुलाई को केंद्र सरकार आम बजट पेश करने वाली है। इससे पहले जेडीयू ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। बजट सेशन से पहले सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बताया जा रहा है कि इसमें जेडीयू की ओर से बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस के मुद्दे को उठाया गया है। जेडीयू की ये काफ़ी पुरानी मांग है और इसका लगभग बिहार की सभी पार्टियाँ समर्थन करती हैं। जेडीयू के साथ साथ YSRCP ने भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग की है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP ने इस मुद्दे पर फिलहाल चुप्पी साध ली है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज हुई सर्वदलीय बैठक में जेडीयू नेता ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। YSR कांग्रेस पार्टी नेता ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। हैरानी की बात यह है कि TDP नेता इस मामले पर चुप रहे। बता दें कि केंद्र में TDP NDA के साथ गठबंधन में है। कुछ देर बाद एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, राजनीतिक परिदृश्य किस तरह बदल गया है। सर्वदलीय बैठक में बीजू जनता दल के नेता ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को याद दिलाया कि भाजपा ने 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में बहुमत पाने के बाद अब ओडिशा में BJP सत्ता में है। बीजू जनता दल यानी कि BJD के नेता सस्मित पात्रा ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी ने ओडिशा के लिए विशेष दर्जे की मांग की है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA के प्रमुख सहयोगी JDU ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई थी। आंध्र प्रदेश के नेता लंबे समय से राज्य के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद इस मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। सरकार का मकसद सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों को सत्र के सरकार के एजेंडे और विधेयकों के बारे में जानकारी देना था। बैठक में विपक्षी दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलने देने का भी अनुरोध किया गया। विपक्षी दल भी अपने अपने एजेंडे सामने रखेंगे जिन पर वे सदन में चर्चा चाहते हैं। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मॉनसून सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान दोनों सदनों की 16-16 बैठकें होंगी। पहले दिन सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। दूसरे दिन 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला लोकसभा में बजट पेश करेंगी। बजट तो अहम होने वाला ही है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से आज सर्वदलीय बैठक हुई उसमें जेडीयू ने एक बार फिर से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई है। वहीं आंध्र प्रदेश के लिए भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि NDA के साथ गठबंधन में TDP है और TDP ने इस मुद्दे को नहीं उठाया है, जिसके बाद कांग्रेस नेता इस पर निशाना भी साध रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।